स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख सागरों को पढ़ने वाले हैं। महासागर तो आप जान ही रहे हैं, अटलांटिक महासागर है, उधर पैसिफिक है, यहाँ हिंद है, इधर भी पैसिफिक है, ठीक है। तो महासागरों को हम लोग महासागर अलग से पढ़ेंगे, आज हम लोग सागरों को पढ़ेंगे। महासागर बहुत बड़े होते हैं, सागर छोटे होते हैं, तो सागरों को पढ़ेंगे। एक जगह से शुरू करेंगे और इस तरह लाइन से होते हुए यहां से आते हुए अंदर भी घुसेंगे देखेंगे, फिर इधर से निकलते हुए यहां तक हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कहां कौन सा सागर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं, खासकर आरओ बीओ पीसीएस इन सब में बहुत प्रश्न आते हैं, बाकी वनडे एग्जाम में भी आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। ये आपको नॉर्वे दिख रहा है, नॉर्वे यहां तक फैला हुआ है। देखिए नॉर्वे के उत्तर में एक सागर आपको दिख रहा है, इसका नाम है बैरेंट सागर। यहां पे लिखा हुआ है, आपको हो सकता है वर्ल्ड मैप में ना दिखे, तो यहां पे बैरेंट आप इसमें देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप खोल के रखिएगा, यहां देखिएगा, जो हमको जरूरत लगे कि उसके देश बताने वो अलग से आपको पीडीएफ लाके अभी दिखा देंगे, ठीक, अलग से दिखाते हुए चलेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, केवल इतना बताना है कि नॉर्वे के उत्तर में स्थित है। यहां देखेंगे बैरेंट सागर लिखा हुआ है, नॉर्वे के उत्तर में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लोकेशन हम बता दें, नॉर्वे के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा बैरेंट सागर किस सागर का भाग है। देखिए उत्तर में आर्कटिक सागर है, तो ये आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक सागर का भाग है, ठीक। बैरेंट सागर नॉर्वे के उत्तर में स्थित है और आर्कटिक ओशन का भाग है, या इस सागर में बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती, मछलियां खूब पाई जाती हैं। शीतकाल में ये जो बैरेंट सागर है, इसके ऊपर बर्फ जम जाती है, मछलियां नीचे रहती हैं और बर्फ ऊपर अच्छी मात्रा में जमी रहती है। तो पहला सागर आपने देखा बैरेंट सागर। दूसरा सागर देखेंगे रूस के उत्तर में, ये देखिए ये पूरा पीला पीला रूस दिख रहा है और यहां पर सागर दिख रहा है, कौन सा है ये, कारा सागर। कारा सागर, ठीक है, कारा सागर आप लिखिएगा, कारा हमने लिख दिया है। कारा सागर आपको दिख रहा है नोवा जेमाल्या, यहां पे देखिए ये नोवा जेमाल्या एक द्वीप है, इसके पूरब में है, और इधर एक मतलब सर्वान्या जेमाल्या दिख रहा है, उसके पश्चिम में है, यह आप कह सकते हैं रूस के उत्तर में है। कारा सागर कहां पे है, रूस के उत्तर में है, या आपका नोवाया जमाल्या दिख रहा है उसके पूरब में है, और इधर जो आपको दिख रहा है सर्वनाया जमाल्या उसके पश्चिम में है, तो रूस के उत्तर में याद कर लीजिए, ठीक रहेगा। ये भी जो है आर्कटिक सागर की ही भुजा है, आर्कटिक सागर का ही अंग है, ये ध्यान रखिएगा। शीतकाल में ये भी बर्फ से घिरा रहता है। यहां पर एक जनजाति निवास करती है कारा सागर के आसपास, उसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद रूस के उत्तर में एक यहां पे सागर आपको दिख रहा है, ये सागर है लेप्टेव सागर। कौन सा सागर है, लेप्टेव सागर। देखिए अभी हम पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं, यह भी क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेप्टेव सागर की स्थिति क्या है, रूस के उत्तर में स्थित है, इसमें कोई शक, ये देखिए रशिया है, कारा सागर भी और लेप्टेव सागर भी रूस के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये भी जो है आर्कटिक सागर की ही एक भुजा है, इसमें सील मछली, कॉड मछली हो गई और कई सारी खूब मछलियां यहां पे मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे थोड़ा सा और ले चलते हैं आपको, यहां पे एक सागर आपको दिख रहा है जिसको पूर्वी साइबेरियन सागर के नाम से जानते हैं, क्या, साइबेरियन सागर, साइबेरियन सागर। साइबेरियन सागर कहां पर स्थित है, रूस के उत्तर पूर्व में, ये रूस है इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये भी जो है आर्कटिक सागर की ही भुजा है, लेकिन साइबेरियन सागर को अलग सागर ही मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो साइबेरियन सागर रूस के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पे आप आएंगे देखेंगे तो रूस के एकदम उत्तर पूर्व में एक सागर दिखेगा जिसको चुकची सागर के नाम से जाना जाता है, चुकची सागर आपको दिख जाएगा। दिख गया, यहां तक सभी दिख गए हैं, चुकची सागर आपको मिल जाएगा। ये एटलस खोलिएगा, यहां पे बैरेंट, फिर कारा, फिर लेप्टेव, पूर्वी सागर, फिर चुकची सागर, ये क्रम आपको लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे यहां पे आप पहुंचेंगे तो ये आपको कौन सा सागर दिख रहा है, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर जो है रूस और इधर ये जो अलास्का है इसके बीच में है, क्योंकि ये जब ग्लोब बन जाएगा तो ये और वो कोना मिल जाएगा, तो आपको बेरिंग सागर कहां दिखेगा, रूस और अलास्का के मध्य। अब आपसे इनमें से चार प्रमुख सागर पूछ लिए जाएंगे कि पूरब से पश्चिम का क्रम लगाइए। तो पहला जो पश्चिम से शुरू होगा बैरेंट, फिर कारा, फिर लेप्टेव, फिर साइबेरियन, फिर चुकची सागर, फिर बेरिंग सागर,
याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके जब नीचे आएंगे, देखिए ठीक ये बेरिंग सागर है, इसके जब नीचे आप आएंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे एक और सागर आपको दिखेगा जो कि यहां पे स्थित है, ये देखिए ओखोटस्क सागर। कहां पे लिख दें, यहां पे लिख दे रहे हैं ओखोटस्क सागर। कौन सा? ओखोटस्क सागर आपको देखने को मिल जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता चले एक एक बात। अब आपको कौन सा सागर दिख गया? ओखोटस्क सागर दिख गया। यहां पे दो प्रायद्वीप हैं, एक प्रायद्वीप है कामचटका प्रायद्वीप, एक है कुरील प्रायद्वीप। कामचटका, कामचटकाओ वाला, तोड़ना वाला, तो कामचटका और कुरील प्रायद्वीप के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा, और रूस के पूर्व में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये कामचटका प्रायद्वीप है, ये कुरील प्रायद्वीप। देखिए छोटे छोटे ये जो प्रायद्वीप हैं ये कुरील हैं और ये कामचटका है, ठीक है, और ये सखालीन है। तो इन सब के मध्य में स्थित है कौन सा? ओखोटस्क। ये सखालीन है, ये आप देखेंगे तो कामचटका है, ये कुरील प्रायद्वीप है, इसके बीच में ओखोटस्क सागर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, अब आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, इधर आ जाइएगा और एशिया कॉन्टिनेंट खोल लीजिएगा। इस मैप में आपको दिखा देते हैं कौन सा खोलना है, एशिया खोल लीजिएगा। यहां पे देखिए ये साफ साफ कामचटका प्रायद्वीप कुरील लिखा हुआ है, सखालीन द्वीप इधर आपको दिख जाएगा, सखालीन और हेकेडो के मध्य, ये जापान का ये हेकेडो द्वीप है, ये सखालीन है। यहां पे एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम सोया जलसंधि है, हेकेडो के नीचे सुगुरु जलसंधि दी हुई है। तो यहां पे जलसंधि देखिएगा, अलग से उसकी मैपिंग कराएंगे। तो यहां पे ये देखिए सखालीन है, ये जापान का ये हेकेडो द्वीप है, हेकेडो द्वीप के ऊपर और सखालीन के बीच में एक जलसंधि है, उसको सोया जलसंधि के नाम से या तातर जलसंधि के नाम से जानते हैं, अलग अलग उसका नाम है अलग अलग, ठीक है। उसके नीचे पहुंचेंगे तो आपको जापान ये दिख रहा है, जापान के यहां पे आपको दिखेगा जापान सागर। कौन सा सागर दिखेगा? जापान सागर दिखा, जापान सागर, ये जापान, देखिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ये देखिए ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जापान, इसके बीच में स्थित है जापान सागर। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पूरब में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पूरब में, जापान के पश्चिम में जापान सागर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है जापान सागर किससे किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा रूस का हिस्सा इससे मैच होता है, बाकी नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का और जापान का। चीन का हिस्सा इससे नहीं मिलता क्योंकि चीन की लाइन यहीं पे खत्म हो जा रही है। तो रूस का मिलता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के पूरब में है, रूस के दक्षिण में है, जापान के पश्चिम और दक्षिण से जापान ने घेर रखा है। तो आप कहेंगे ओखोटस्क सागर कहां पे है? जापान के पश्चिम में है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के पूरब में है और रूस के दक्षिण में है, जापान के उत्तर और पूरब में है। देखिए उत्तर पूरब वाला हिस्सा और दक्षिण, सॉरी उत्तर नहीं, दक्षिण ये है और ये पूरब है और ये रूस है, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया। तो जापान सागर जो है अगर एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रूस का छोटा सा कोना उसके दक्षिण में, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के पूरब में, जापान के पश्चिम में, और जो जापान है ना, जापान इस तरह आया है तो इसके उत्तर में भी कह सकते हैं, या ओखोटस्क सागर में दक्षिण में जापान है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए जापान सागर हो गया, अगला सागर जो हम लोग देखेंगे वो है एलओसी, चाइना के पूरब में, ये देखिए एलओसी, जिसको पीला सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पीला सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर? पीले सागर के नाम से जानते हैं। ये आप कह सकते हैं चीन के पूर्व में स्थित है। दो चीजें आप देखिएगा, जब आप यहां पे देखेंगे ये देखिए पीला सागर है, दक्षिण कोरिया आपको दिख रहा है, दक्षिण कोरिया के दक्षिण में, ये देखिए दक्षिण कोरिया ये दिख रहा है, इसके दक्षिण में, या आप कह सकते हैं पश्चिम में भी, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पश्चिम में भी है और दक्षिण में भी पूरा फैलाव है, किसका? पीला सागर का, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पीला सागर है ये विश्व का सबसे कम गहरा सागर है, विश्व का सबसे कम गहरा सागर है, ये कई बार पूछा गया है इसलिए आपको बता रहे हैं, विश्व का सबसे कम गहरा सागर है। और यहीं पे कुछ और चीजें आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे आप देखेंगे आपको चिल्ली की खाड़ी दिख जाएगी, कोरिया की खाड़ी दिख जाएगी, यहाँ पे चिली की खाड़ी दिख जाएगी, कोरिया की खाड़ी दिख जाएगी, तो ये सब वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, खाड़ी अभी आपको अलग से हम पढ़ाएंगे। अगला जो सागर चलने चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए ईस्ट चाइना सी,
पूर्वी चीन सागर, इसको बोलते हैं पूर्वी चीन सागर, आप लिख लीजिएगा सागर। तो पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में स्थित है, ये आप कह सकते हैं। किसके पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में, ये देखिए ताइवान दिख रहा है, ताइवान के उत्तर में स्थित है पूर्वी चीन सागर और चीन के पूर्व में, इसीलिए उसका पूर्वी चीन सागर नाम ही है। तो ये आपने अभी तक जो सागर देखे हैं, एक और देख लीजिए फिर एक चीज और बताते हैं। देखिए यहां से जब नीचे आप आएंगे तो एक और सागर आपको दिखेगा, उसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर, ये देखिए साउथ चाइना सी आपको दिख जाएगा। तो दक्षिण चीन के दक्षिण में है, इसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर, कैसे ले जाकर लिखें दक्षिणी चीन सागर आप लिख लीजिएगा। अभी आपको एक एक करके भी दिखाएंगे, यहां पे पहले नोट कर लीजिए। ये सागर अगर आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, तो इधर देखिए क्या है, इधर आपको मिल जाएगा फिलीपींस, तो फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है, चीन के दक्षिण में स्थित है। ये आपको वियतनाम दिख रहा है, वियतनाम के पूर्व में। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले देखिए चीन के दक्षिण में स्थित है, वियतनाम के पूर्व में स्थित है, फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्रुनोई दिखेगा, उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, खूब अच्छी मात्रा में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो ब्रुनोई द्वीप, ये ब्रुनोई है, ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये ब्रुनोई है, इसके उत्तर में है, ये फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में है, चाइना के दक्षिण में है, और ये वियतनाम है, तो वियतनाम के पूरब में है दक्षिणी चीन सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सागर है, आगे चलेंगे, लेकिन एक चीज आपको यहां पे और बता दें, ये सागर आपको दिख रहा है फिलीपींस के पूर्व में, इसको कहते हैं फिलीपींस सागर, लिखने की जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, ये देखिए फिलीपींस से लिखा हुआ है, तो फिलीपींस सागर। अब आपसे कभी कभी नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछता है, तो सबसे पहले बेरिंग सागर है, फिर ओखोटस्क है, फिर जापान सागर है, फिर पीला सागर, फिर पूर्वी चीन सागर, फिर फिलीपींस सागर, फिर साउथ चाइना सी है। तो ये सब आपको उत्तर से दक्षिण भी देखना पड़ेगा, पश्चिम से पूरब भी देखना पड़ेगा, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। अगला सागर जो आप देखने चल रहे हैं, देखिए आपको फिलीपींस दिख रहा होगा, ये फिलीपींस दिख रहा है, इसके नीचे एक द्वीप आपको बोर्नियो हमने दिखाया है, तो यहां पे एक सागर है, यहां पे इसको बोलते हैं सुलु सागर, लिख लीजिएगा सुलु सागर। क्या कहां पे, फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में, क्या इसमें दिया है देख लें एक मिनट, ये देखिए लिखा हुआ है फिलीपींस बोर्नियो के बीच में। ठीक है, फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में, अच्छा नीचे सेल्वेस सी भी है, ये आप अभी बाद में बताएं, ये सेल्वेस सी है। फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में जो है उसको सुलु सागर के नाम से जाना जाता है, नाम है सुलु सागर। एक मिनट जरा पानी पी लें, क्या नाम है सुलु सागर, सुलु सागर की कुछ खासियत है। सुलु सागर ठीक विषुवत रेखा पर स्थित एक सागर है, सुलु सागर चूंकि विषुवत रेखा पर स्थित है इसलिए इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो लवणता ज्यादा होगी, इसकी लवणता 35% ज्यादा, 35/1000 से ज्यादा है। ठीक है, उसके नीचे जब आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा सेल्वीज सागर, क्या दिखेगा सेल्वीज सागर, कौन सा सागर है सेल्वीज, आप एटलस खोल के बैठिए आपको डेफिनेटली मेरा शब्द भी समझ में आएगा। ये देखिए फिर से सुलु सागर, फिर इधर मिंडनाओ द्वीप है, उसके बगल में सेल्वी सागर आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्वी सागर विषुवत रेखा के निकट स्थित है, जबकि सुलु सागर विषुवत रेखा पर स्थित है, तो ये भी एक सागर है जो कहां पर स्थित है विषुवत रेखा के निकट। आप आगे ऊपर देखिए, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा ये। अब थोड़ा सा फिर एक बार पेन बदल लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, रेड पेन ले लिया जाए। ये देखिए इसके उत्तर में एक सागर दिखेगा, ये सागर का नाम है, कहां पे लिखें सागर का नाम, ये वाला हम लिख दे रहे हैं वन लिख के, ये चलिए यहां ला रहे हैं अरापुरा सागर, अरापुरा सागर कौन सा सागर है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कार्पेंट्रिया की खाड़ी के बगल, ये कार्पेंट्रिया की खाड़ी है जो इस तरह से गया, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला ये कार्पेंट्रिया की खाड़ी है, उसके उत्तर में है कौन सा अरापुरा सागर। अरापुरा सागर हिंद महासागर और प्रशांत सागर को जोड़ने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर तो एक सागर दिख रहा है, नाम है तिमोर सागर, क्या नाम है तिमोर सागर,
तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में तो अराफुरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो तिमोर सागर है हिंद महासागर का भाग है और हिंद महासागर प्रशांत को जोड़ने का काम करता है, बल्कि हमारा अराफुरा सागर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो आपको कोरल सी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको कोरल सागर दिख गया, कौन सा सागर दिखा, कोरल सागर दिख गया यहाँ पे। कोरल सागर कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ये स्थिति होती है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये होता है उत्तर पूर्व और ये होता है उत्तर पश्चिम, ठीक। तो उत्तर पश्चिम में तिमोर है, उत्तर पूर्व में कोरल सागर फैला हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोरल सागर जो है आप देख रहे हैं वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, बीच में एक सागर दिख रहा है, इसका नाम है तस्मान सागर। अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी हो सकता है हमको मिटाना पड़ जाए। तस्मान सागर आपको दिख गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है, वहीं पे तस्मानिया भी स्थित है, अगर आप देखेंगे तस्मान सागर के बीचों बीच, और तस्मान सागर प्रशांत महासागर की भुजा है, ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, अब अगर आप चाहिए तो इसको कहिए तो हम मिटा देंगे, तभी हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन उससे पहले एक देखिए सागर दिखेगा, फ्लोरेंस सागर सेल्विज और सुंडा के मध्य, देखिए यहां पे फ्लोर सागर लिखा हुआ है, ये देखिए, चलिए ये हम मिटा दे रहे हैं आप लोग ताकि समझ जाए, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है मिटाने में, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप पहले से लिख लिए होंगे उम्मीद है। हाँ तो चलिए फ्लोर सागर देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, तिमोर सागर, अरब सागर, जावा सागर, इसमें नहीं लिखा है, तो चलिए कहीं लिखते हैं, कहाँ पे लिखना है एग्जैक्टली, कौन सागर है, फ्लोर सागर है, हाँ तिमोर सागर के यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, यहाँ पे अभी हम आपको दिखा देंगे अलग से, देखिए इसमें ये देखिए यहाँ पे फ्लोर सागर लिखा हुआ है, फ्लोर सागर फ्लोरेंस सारा अलग अलग है, ये फ्लोर सागर है, फ्लोरेंस दिया नहीं है इसमें, ठीक है। सेल्विज और सुंडा के मध्य हालांकि स्थित है, सेल्विज और सुंडा प्रायद्वीप के मध्य स्थित है, सेल्विज सुंडा ये हाँ लिखा है, ये है, ये सेल्विज आ रहा है, ये सुंडा यही है, ठीक है, सुंडा, तो ये कौन सा सागर है, फ्लोरेंस सागर है, फ्लोर सागर नहीं है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो जावा सागर, जावा सी आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये जावा सागर है, ये जावा सागर है, कौन सा सागर है, जावा सागर, कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया में जावा प्रायद्वीप के उत्तर में, ये देखिए यहां पे जावा, ये जावा प्रायद्वीप है, उसके उत्तर में बोर्नियो के दक्षिण में आप कह सकते हैं, बोर्नियो के दक्षिण में बोर्नियो द्वीप है, उसके दक्षिण में है जावा सागर, इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, उसके उत्तर में जावा सागर आपने देख लिया है। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पे अरबियन सी देख रहे हैं जो भारत से संबंधित है, बाकी वो इधर से ओमान लगा, इधर से यमन लगा है, बाकी ये हिंद महासागर का हिस्सा आ जाता है, ये मतलब ये जो ओमान है ये सब हिंद महासागर में आते हैं। अरबियन सी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ध्यान से, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लोकेशन आपको बताना है, भारत के दक्षिण पश्चिम में, बाकी जो यमन है, ओमान है और सोमालिया है, ये सब है, ये सब पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये पूरा 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 हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का ही भाग है अरबियन सी या अरब सागर, ठीक है। अभी तक हम लोग अरब सागर देख चुके, अब हम देखेंगे लाल सागर, देखिए ये आपको दिख रहा है रेड सी, ये लाल सागर आपको दिख रहा है, अभी अलग से भी आपको दिखाएंगे, लाल सागर इधर से सऊदी अरबिया से लगा है, इधर इजिप्ट से लगा, इधर सूडान से लगा, इधर इरिट्रिया से लगा है, और इधर इथोपिया से लगा, इधर यमन से लगा है, जिस से लगा है उससे एक ट्रिक आपको यहाँ पे बता देते हैं जल्दी से, इसका ट्रिक भी हम आपको बताए थे कि किस किस से लगा हुआ है, देखिए सबसे पहले जिबूती, जिबूती का जो जिबूती है वो शुरू होता है डी से, जिबूती जो यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा, ये आप देखेंगे तो किससे शुरू होता है, ये लगा है देखिए जिबूती, तो डी से शुरू होता है। उसके बाद अगला शब्द देखिए आप, इजिप्ट और इरिट्रिया देख लीजिए, लिख लीजिए इजिप्ट और इरिट्रिया, नहीं नहीं एक सेकंड, कौन सा नहीं लगा है इसमें, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए आपको एक मिनट दिखाई देते हैं, ये देखिए
ये देखिए आप देखिए साफ साफ ये इरिट्रिया लगा हुआ है, ये देखिए ये जो है ये आपका इरिट्रिया है और ये आपका जिबूती लगा है। तो जिबूती का हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, और इधर इरिट्रिया लगा है तो ई ले लिया, इधर इजिप्ट लगा है इसका हमने ई ले लिया, इधर से सूडान से लगा है बाउंड्री लाइन, ये सूडान से, ये इजिप्ट से, तो इसका क्या ले लिया, यस ले लिया। इधर सऊदी अरब लगा है इसका भी यस ले लिया, इधर यमन से लगा है तो हमने वाई ले लिया और बन गया देसी। देसी ट्री किसका है, देखिए तीन और तीन, छह देश लगे हुए हैं रेड सी से, छह देश लगे हुए हैं रेड सी से, इजिप्ट लगा है, सूडान लगा है, इरिट्रिया लगा है, इधर यमन लगा है और सऊदी अरब लगा है, ध्यान रखिएगा, और लास्ट में ये बची गया जिबूती। तो ये लाल सागर का है, कोई दिक्कत है लाल सागर में? लाल सागर अगर आपसे पूछा जाए तो सऊदी अरबिया के पश्चिम में है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती के पूर्व में स्थित है, आप कह सकते हैं। स्वेज नहर द्वारा जो है लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ा जाता है, स्वेज नहर इसके लिए काम करती है, ठीक है, ताकि यूरोप जाने में आसानी हो सके। यूरोप जाने का रास्ता ये देखिए इधर हो जाएगा, कौन सा, हिंद महासागर, इधर से होते हुए यूरोप जाना आसान हो गया, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो ये आप जो देख रहे थे ये हमारा कौन सा था, इसमें ये इथोपिया नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ये इसमें नहीं है, सीधे जो है जिबूती और इरिट्रिया जुड़े, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया, इथोपिया की बाउंड्री लाइन रेड सी से नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सागर जो है वो है भूमध्य सागर, देखिए मोरक्को है, ये अल्जीरिया है आपका, ये ट्यूनीशिया है ऊपर, इधर लीबिया है, इधर ये मिस्र है, इसकी बाउंड्री लाइन ये देखिए मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, बल्कि स्पेन से लगती है, फ्रांस, स्पेन से लगती है, फ्रांस से लगती है, इटली से लगती है, बाकी इधर भी ग्रीस से छोटे छोटे सागर के माध्यम से जो है हमारा भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख लीजिए, भूमध्य सागर वाला भी हिस्सा ये देखिए जुड़ा हुआ है, इधर से मोरक्को है, ये इधर से आप देख रहे हैं अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीशिया है, फिर लीबिया है, फिर मिस्र है, इधर सीरिया, टर्की, उसके बाद इधर आएंगे तो छोटे छोटे ग्रीस वगैरह, इधर इटली लगा, फ्रांस लगा, स्पेन लगा, ये है मेडिटेरियन सी हमारा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको, हाँ तो भूमध्य सागर तक हम लोग पहुंच गए, अब पहुंचते हैं एजियन सागर कहाँ पे है, ग्रीस और तुर्की के मध्य, थोड़ा सा ये हम मिटा देते हैं नहीं तो कचबच कचबच हो रहा है, ये मतलब उसी में घाच पेच एकदम, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, फिर आपको ले चलते हैं कहां पे, एजियन सागर। एजियन सागर देखिए आपको कहीं पे जहां पे दिख रहा हो एड्रियाटिक सागर, सबसे पहले आपको खोजना है इटली कहां पे है, उसके नीचे ग्रीस और तुर्की दिखेगा, देखिए ये आपको ग्रीस दिख रहा है, ये देख रहे हैं ग्रीस और ये तुर्की, इसके बीच में ये सागर है, ठीक है, कौन सा, एजियन सागर, आइए आपको सही से दिखाते हैं, स्थिति इटली के एड्रियाटिक सागर के दक्षिण में ही दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, देखिए ये है एजियन सागर, एजियन सागर आपको दिख गया, ये कौन सा है, एजियन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर आपको ग्रीस दिख रहा है और इधर टर्की दिख रहा है, तो इधर टर्की, इधर से ग्रीस, दोनों के बीच में है एजियन सागर, टर्की और किसके बीच में है, ग्रीस के बीच में है, और भूमध्य सागर की भुजा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मरमरा सागर आपको यहां पे एक और दिख रहा है, मरमरा सागर दिख रहा है, मरमरा सागर क्या करता है, इसको काला सागर से जोड़ने का काम करता है, इधर काला सागर है तो मरमरा सागर और जो एजियन सागर है ये काला सागर से जोड़ने का काम मरमरा करता है, तो मरमरा सागर भी देख लीजिएगा, एजियन सागर काला सागर से किसके द्वारा जुड़े हैं, तो मरमरा सागर के द्वारा जुड़े हैं, आप यहां पे मरमरा सागर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे बास्पोरस जल संधि है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, डार्डेनियल जल संधि है, इधर डार्डेनियल स्टेट आपको दिख रही है, इधर आपको बास्पोरस दिख जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि तुर्की द्वारा घिरा हुआ एजियन सागर है और तुर्की के उत्तर में स्थित है कौन सा, मरमरा सागर, तो ये आप भूलेंगे नहीं। चले आगे चले, चलिए इसी में अगला देख लेते हैं क्या दिखेगा,
एडियाटिक सागर आ गया, पहले आयोनियन देख लेते हैं हम लोग। आइए अब अगला सागर है, ग्रीस के पास एक सागर है आयोनियन सागर, जो एडियाटिक सागर के तट से जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपको इटली, अभी आपने इटली देखा था, ये देखिए इटली, ये एड्रियाटिक सागर है, यहां पे आयोनियन सागर है, ये आयोनियन सागर है, यहां पे लिख दे रहे हैं आयोनियन, यहां पे एड्रियाटिक सागर है, ये इसके बीच में आप देखेंगे तो एक जलसंधि है, उसकी उसका नाम है ओन्ट्राटो जलसंधि। क्या नाम है? ओन्ट्राटो जलसंधि। आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य में है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर कहां पे? इटली के पूरब में है। आइए देख लेते हैं एक बार एड्रियाटिक सागर, चलिए पहले इसको मिटाइए, ये देखिए पहले एड्रियाटिक सागर देखिए, यहां पे एड्रियाटिक सागर है, और बड़े मैप में भी देख लेते हैं, ये देखिए ये इटली दिख रहा है, इसके पूरब में ये जो है कौन सा है? एड्रियाटिक सागर है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एड्रियाटिक सागर, ये एड्रियाटिक सागर है, इटली के पूरब में है, इटली के पूरब में है, इधर से स्लोवेनिया से जुड़ा हुआ है, इधर क्रोएशिया से जुड़ा हुआ है, इधर बोस्निया हर्जेगोविना से जुड़ा हुआ है, इधर मोंटेनिग्रो से जुड़ा हुआ है, इधर अल्बानिया की बाउंड्री लाइन लगती है। एक इसका शॉर्टकट है भाई, भाई मतलब बोस्निया, ये है हर्जेगोविना, ये देखना पड़ता है कहीं 30 सेकंड में मेरा वो बंद तो नहीं हो गया कैमरा, ये अल्बानिया और ये इटली। मेरा भाई क्या कर रहा है? एमएससी कर रहा है। अब बचा क्या, क्या क्या बचा देख लीजिए, मोंटेनिग्रो बचा, मोंटेनिग्रो बचा, यस से बचा स्लोवेनिया, सी से बचा क्रोएशिया। तो मेरा भाई क्या कर रहा है? मेरा भाई एमएससी कर रहा है, भाई एमएससी, याद रखिएगा आपको कभी नहीं भूलेगा। एड्रियाटिक सागर आपने देख लिया, इटली की एक नदी है पो नदी, इसमें अपना पानी गिराती है, ये ध्यान रखिएगा। बेनिस शहर है, तिराना शहर है इटली का, यहीं पर है, यहां पर एक पवन बहती है बड़ी फेमस है, उसका नाम है बोरा। कौन सी पवन है? बोरा, बोरा यहां पे बहती है, सिराको पवन यहां पहुंचती है जो ब्लड रेन कराती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इटली के पास, इटली के पास एक प्रांत है लिगुरिया प्रांत, वहां पे देखिए आपको यहां पे दिख नहीं रहा है, चलिए हम आपको फिर भी यहां पे दिखाते हैं, ये इटली है, ये क्या है? इटली है। इटली के पूर्व में अभी हमने आपको क्या दिखाया? एड्रियाटिक सागर दिखाया, एड्रियाटिक सागर दिखाया, इधर एक प्रायद्वीप है सिसिली बोलते हैं, सिसिली, ठीक। इधर ये देखिए यहां पे फ्रांस का एक द्वीप है, नाम है कोर्सिका, ठीक याद है। इधर क्या है? सार्डिनिया द्वीप है, सार्डिनिया। ऐसे ही सेम आपको दिखेगा जब आप यूरोप कॉन्टिनेंट खोलेंगे, जैसा मैप बना है वैसा ही साक्षात आपको दिखेगा, कोई चेंज आपके सामने आने वाला नहीं है। देखिए ये है, अब क्या करना है आपको, ये जो सागर, यहां पे जो सागर फैलाव है, यहां पे टिरहिनियन है और यहां पे मेसिना जलसंधि है, इधर आयोनियन सागर है, और उत्तर में कौन है? एड्रियाटिक, आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है लिगुरियन सागर, ठीक है, ऊपर ऊपर जो है, फ्रांस का ही द्वीप है, यहां पर इटली के इधर आप देखेंगे ये फैलाव है लिगुरियन सागर का, लिगुरियन सागर किसका फैलाव आप देखेंगे? लिगुरियन सागर का फैलाव देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आपको दिखेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है, कौन सी? बेनिफेसियो जलसंधि, बेनिफेसियो जलसंधि, किसके बीच में? कोर्सिका के और सार्डिनिया के। ये सिसली द्वीप है, सिसली द्वीप, यहां मेसिना जलसंधि है, यहां पे जलसंधि एक आयोनियन और एड्रियाटिक के बीच कौन सी है? ओन्ट्राटो जलसंधि है, ओन्ट्राटो जलसंधि है, ये भूलिएगा नहीं आप। अब ठीक है, अब चलिए आपको अगले सागर की तरफ ले चलते हैं, वो है ब्लैक सी। पहले आप उसमें देख लीजिए ब्लैक सी, ताकि वर्ल्ड मैप में आपको दिक्कत ना हो, कहां पे है लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी तुर्की के उत्तर में आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सी है, यूक्रेन के दक्षिण में, रोमानिया के पूरब में, ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है। अब हम आपको ब्लैक सी दिखाएंगे, आइए। ब्लैक सी तुर्की के उत्तर में है, तुर्की
टर्की के उत्तर में है, इसकी बाउंड्री लाइन जॉर्जिया, इधर आप पाएंगे तो रोमानिया से इसकी बाउंड्री लाइन, इधर बुल्गारिया से लगी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देश लगे हुए हैं, याद लेकिन कैसे रहेंगे, तो याद करने की एक ट्रिक आपको पहले भी बताई है लेकिन यहां भी बताएंगे। चलिए देखिए, समझिए ट्रिक। सबसे पहले लिखिएगा रजत, क्या लिखेंगे आप, रजत, रजता, र से क्या हो जाएगा, कोई रूस या रोमानिया कोई ले लीजिए, तो मान लीजिए हमने रोमानिया ले लिया, रोमानिया ले लिया, रोमानिया की बाउंड्री लाइन लग रही है ना, ले लिया। जा से ले लेंगे जॉर्जिया, जॉर्जिया की बाउंड्री लाइन लग रही है तो हमने जॉर्जिया ले लिया। ता से क्या लेंगे, टर्की ले लेंगे या तुर्की लिख लेंगे, ठीक है। तो रजत नाम है, रजत शर्मा जो है आपकी अदालत चलाते हैं, वो आप ले सकते हैं, तो रजत। यू आर, यू से ले लेंगे यूक्रेन, यूक्रेन, आर से ले लेंगे रूस, ब्लैक, रजत यू आर ब्लैक, ब्लैक से क्या ले लेंगे, बुल्गारिया, बुल्गारिया, तो रजत यू आर ब्लैक, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। याद रहेगा काला सागर, काला सागर तुर्की के उत्तर में है, एक ओपन सी है, खुला सागर है, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, इन सब से घिरा हुआ है, यहाँ पे डेन्यूब नदी अपना जल गिराती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको जो सागर दिखाएंगे वो है मृत सागर, मृत सागर डेड सी है, कहाँ पर है एग्जैक्टली, सबसे पहले ये देखिए, इसराइल और जॉर्डन की सीमा पर, क्या इसमें वर्ल्ड मैप में दिखेगा, एक बार जरा देख लिया जाए, ये मिटा दें जरा, इसमें दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है किसी को, इतना छोटा एक तो बना है कि दिखे क्या, इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ये छोटा सा तो इजराइल बना है, ये यहां पे है डेड सी, मृत सागर। आइए अब अपने पे देखते हैं, यहां पे ये है इजराइल, ये है इजराइल, यहां पे आप देख रहे हैं ये है डेड सी यानी मृत सागर इसराइल के पास, और इसकी बाउंड्री लाइन इधर जॉर्डन से लग रही है और किसी से नहीं लगती। इसराइल और जॉर्डन दो की बाउंड्री लाइन लगती है, किसकी, मृत सागर की, मृत सागर की दो से लगती है। मृत सागर की लवणता आप जानते हैं, इसका जो सैलिनिटी है, इसका जो खारापन है, लवणता है, बहुत अधिक है, कितना है, 238 है, 1000 में नापा जाता है, तो 238% भी आप लिख सकते हैं, परसेंट से ही डिनोट किया जाता है, और यहां पे जॉर्डन नदी आके गिरती है, परसेंट से ही डिनोट किया जाता है, किसको, लवणता को, सैलिनिटी को। अगला सागर देखिए कैस्पियन सागर, पहले विश्व में देख लीजिए एक बार, ये देखिए आपके सामने है कैस्पियन सागर, कहां पे दिख रहा है कैस्पियन सागर, ये ब्लैक सी के पूरब में, ये देखिए कैस्पियन सागर ईरान से लगा हुआ। अब आइए अपने यहां पे देखिए, ये आपको कैस्पियन सागर दिख रहा है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखिएगा, टर्की, टर्की एक एक करके आपको दिखाएंगे, तो सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद इधर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, के से कजाकिस्तान है, और इधर तुर्कमेनिस्तान है, लिख लीजिएगा तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या देखे, इधर रसिया लग रहा है तो यहां पे रूस लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर अजरबैजान की सीमा लग रही है तो इधर अजरबैजान लिख लीजिए ए से, ठीक। आई से क्या हो जाएगा, फिर देखिए इसमें इधर नीचे ईरान है, क्या हो जाएगा, ईरान। तो ब्लैक सागर की जो बाउंड्री लाइन मिलती है, टर्की याद रखेंगे तो याद रहेगा, इधर ईरान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रसिया है, अजरबैजान है, तो 3, 2, 5 देशों की बाउंड्री लाइन किससे मिलती है, हमारे कैस्पियन सागर से मिलती है। सबसे बड़ा सागर है, एक झील है, सागर नाम भले लगा हुआ है लेकिन है झील, 371,000 वर्ग किलोमीटर को घेरे हुए है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे आपको ले चलते हैं, देखिए इसमें कौन सा बना है, चलिए इसी में देख लीजिए, आपको आसानी से दिख जाएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान है, ये आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, ये कजाकिस्तान, ये कैस्पियन सागर, उसके पूरब में ये छोटा सा आपको दिख रहा है अरल सागर, कौन सा सागर है,
वर्ड मैप में दिखेगा नहीं, इसलिए यही दिखा दे रहे हैं। क्या नाम है? अरल सागर। चलिए अब वर्ड मैप में फिर एक बार हम लोग पहुंच जाते हैं अपने। अगला सागर जो आप देखने चल रहे हैं, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर हमको ये सब मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं जिसको कहते हैं उत्तरी सागर, यहां पे है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके पूरब में, नॉर्वे के पश्चिम में। क्या सागर का नाम है? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर, इसी के दक्षिण में इंग्लिश चैनल है, तो भूलिएगा नहीं। उत्तरी सागर कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम जो है उसके पूरब में, और डेनमार्क और नॉर्वे के पश्चिमी। ये डेनमार्क है नीचे और ये नॉर्वे है, तो डेनमार्क और नॉर्वे के पश्चिम में। ये मत्स्यन के लिए, मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा है, तेल है, प्राकृतिक गैस है यहाँ खूब अच्छी मात्रा में, और गैस भी यहाँ में बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। नॉर्वे के उत्तर में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सागर दिख रहा है, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन आर्कटिक सागर की भुजा है, नाम है नॉर्वेजियन। नॉर्वे के ही उत्तर में है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्वे के उत्तर में है। चूंकि गर्म और ठंडी धाराएं यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छी मात्रा में जो है मछली उत्पादन किया जाता है। नॉर्वेजियन और आर्कटिक की भुजा है। एक और भूल गए थे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है। क्या ये देखिए, यहाँ पे फिनलैंड के बिल्कुल रूस में स्थित है, क्या नाम है? व्हाइट सी, सफेद सागर। सफेद सागर रूस में स्थित है, रूस के उत्तर भाग में स्थित है, आप कह सकते हैं फिनलैंड के पूरब में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो फिनलैंड रूस के मध्य कह सकते हैं। उसके बाद यहां पे एक सागर अभी आप देखेंगे, इसको आइए आपको दिखा देते हैं। इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर की लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, स्वीडन के दक्षिण पूर्व में, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के पश्चिम में। ये एस्टोनिया है, ये लाटविया है, लिथुआनिया है, उसके पश्चिम में आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत? कोपेनहेगन हो गया, स्कॉट होम हो गया, इसी के किनारे स्थित शहर हैं। देखिए बंद लगाया है नहीं लगाया है, चलिए कोई बात नहीं, तो आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाल्टिक सागर है, मान लीजिए बाल्टिक सागर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाल्टिक, तो किससे घिरा है? इधर से आप देखेंगे तो क्या है, ये स्वीडन है। इधर आप देखेंगे तो तीन देश है, एस्टोनिया है, एस्टोनिया आपको दिख जाएगा, उसके बाद आपको लाटविया दिख जाएगा, लाटविया के बाद आपको तीसरा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे देखिए, लिथुआनिया दिख रहा है। कौन दिख रहा है? लिथुआनिया दिख रहा है। तो तीन देशों से घिरा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप मैप देख रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा कन्फर्म। चलिए ये भी मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। ये सब आपने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा अगर दिक्कत होती है तो बताइएगा, तो और कोशिश करेंगे और छोटे छोटे मैप लगा के आपको बताएंगे, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं मैपिंग से संबंधित। अगला है ग्रीनलैंड के दक्षिण में, देखिए ये लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर, यहाँ पे लैब्राडोर की ठंडी धारा आती है, इधर से गल्फ स्ट्रीम जाती है, मिलती है, तो यहाँ पे क्षेत्र थोड़ा सा ऐसा होता है जहाँ मछली उत्पादन खूब अच्छे से किया जा सकता है। कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है आपका ग्रीनलैंड सागर, लैब्राडोर सागर, ध्यान रखिएगा लैब्राडोर सागर है, ठीक है। लैब्राडोर डोर प्रायद्वीप भी है यहाँ पे, एक यहाँ पे पूरब में आप देखेंगे तो ये लैब्राडोर प्रायद्वीप भी है यहाँ पे। अगला है सार्गेसो सागर, ये नॉर्थ अमेरिका के 35 डिग्री के आसपास आप देखेंगे तो आपको सार्गेसो सागर देखने को मिलेगा। सार्गेसो लिखा, चलिए ठीक है सार्गेसो आप लिख लीजिएगा, गौ लिखा है गह कर लीजिएगा। सार्गेसो सागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास मिलता है। यहाँ पे सार्गेसो घास उगती है जो जहाजों को आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ पे छोटे छोटे मछलियां मिलती हैं जो सांप जैसी होती है, इला बोलते हैं इनको, सांप जैसी दिखती है, तो इला मछली उसको बोलते हैं। अगला सागर आपको दिखाने चल रहे हैं, नाम है यहां पे सागर है कैरोबियन सागर। कौन सा सागर है? कैरोबियन सागर, मैक्सिको या आप कह सकते हैं सेंट्रल अमेरिका के पूरब में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है कैरोबियन सागर, या संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में कह सकते हैं। एक सागर आप देखेंगे कनाडा के उत्तर में आपको दिख रहा है, कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर। अब मुझे लग रहा है कोई सागर आपका बचा हुआ नहीं दिख रहा है, लगभग सभी सागर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।
लगभग सभी हो गए हैं, कोई नहीं बचा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। कहीं दिक्कत हो मैपिंग में आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को दिखाइए, खुद देखिए, बात करके दोस्तों के साथ याद करिए, और फिर हमको कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, बाय बाय।